हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू दी चैनल। आज का जॉब अपडेट आया है दोस्तों, वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रहने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर जो एलिजिबल है दोस्तों वो ग्रेजुएट है, चाहे आप साइंस स्टूडेंट साइंस से किए हो या कॉमर्स से, दोनों ही एलिजिबल रहने वाले दोस्तों। और यहाँ पर फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल, ये बहुत ही अच्छी बात रहने वाला है दोस्तों। अगर आप फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो पोस्ट आया है दोस्तों वो मैनेजर के लिए रहने वाले हैं, और जो वैकेंसी आई है दोस्तों वो जोन वाइज अलग अलग एरिया के हिसाब से दोस्तों। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है अप्लाई करने का। यहाँ पर कॉम्पिटिशन आपके लिए कम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो वैकेंसी है वो जोन वाइज आया हुआ है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते दोस्तों, डिटेल्स में जानते हैं क्या क्या पोस्ट है दोस्तों और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जॉब नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके कि क्या सैलरी रहने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशन है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, सिलेबस क्या है दोस्तों, ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करने वाले दोस्तों, और जो एग्जाम रहेगा दोस्तों उसका सेंटर कहाँ रहने वाला है, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो आप एंड तक वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चेक करते हैं कि ये ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों 27 अगस्त 2022 से चालू हो चुका है, और जो लास्ट डेट इन्होंने बोला है कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं दोस्तों 26 सितंबर दोस्तों। तो अभी भी टाइम है दोस्तों, 6-7 दिन, आप लोग जरूर अप्लाई कर लीजिए। टाइम बहुत कम है क्योंकि ये प्रोसेस में जाता है और आपके फॉर्म वगैरह चेक होते हैं, तो आप लोग जरूर अप्लाई कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद अप्लाई करते दोस्तों उसके बाद एग्जाम रहेगा, तो उसके लिए दोस्तों आपका कॉल लेटर आ जाएगा आपको 10 दिन पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले आपका कॉल लेटर आ जाएगा दोस्तों। और जो टेस्ट का जो डेट इन्होंने अनाउंस किया है दोस्तों, यहाँ पर बताया कि विल बी अनाउंस ऑन वेबसाइट, जो भी डेट रहेगा वो वेबसाइट पे बता देंगे दोस्तों। एक एवरेज ये दे दिया दोस्तों कि दिसंबर 2022 में, मतलब दिसंबर में एग्जाम रहेगा, चाहे वो फर्स्ट वीक हो या लास्ट वीक में। तो ये एक शेड्यूल है दोस्तों इनका एग्जाम का है और ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन वगैरह का है। तो दोस्तों आप लोग जरूर अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते वीडियो को दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने बोल दिया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर के लिए। अभी मैनेजर में दोस्तों बहुत सारे हैं, जनरल हो गया, डिपो मूवमेंट, अकाउंट, टेक्निकल मैनेजर, सिविल इंजीनियर मैनेजर, मतलब बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस के लिए इन्होंने अलग अलग पोस्ट रखे हुए दोस्तों। और जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जब आप सिलेक्ट होते हैं दोस्तों, तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान जो फी आपका जो स्टाइपेंड रहेगा, सैलरी रहेगा दोस्तों, वो 40,000 से स्टार्ट होने वाले दोस्तों। ये बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा मौका है दोस्तों, अप्लाई करें। तो हम लोग देख लेते कौन कौन से पोस्ट है। यहाँ पर दे दिया दोस्तों जो पोस्ट है ये जोन वाइज दिया गया है दोस्तों। तो नॉर्थ जोन के लिए कितने पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। जैसे कि मैनेजर के लिए है, मैनेजर में भी जनरल मैनेजर हो गया, डिपोर्ट मैनेजर हो गया दोस्तों, या अकाउंट्स के मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर हो गए, ये सब दे दिए दोस्तों। और जो इनका पे स्केल रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। और जो क्राइटेरिया दोस्तों, ये आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो ये पूरा दिया गया है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों साउथ जोन के लिए भी पूरा डिटेल्स में दिया गया है, वेस्ट जोन के लिए भी दिया गया है दोस्तों, और ईस्ट जोन के लिए भी दिया गया है दोस्तों। तो आप एक एक जोन वाइज आप कौन से जोन में रहते हैं वो चेक कर सकते हैं दोस्तों, और फिर जरूर अप्लाई करिए दोस्तों। ये एक पोस्ट हो गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है दोस्तों। जैसे कि मैनेजर के लिए, जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पे दे दिया ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए दोस्तों, और आपके पास 60% मार्क्स आना चाहिए उसमें। और बाकी जो एससी एसटी के लिए वो सब रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह डेपोर्ट मैनेजर के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट दिया गया है दोस्तों और 60%। तो इस तरह आप हर एक पोस्ट चेक कर सकते हैं कहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैनेजर के लिए अकाउंट के लिए है, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगे हैं दोस्तों। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट आपने किए हैं तो एलिजिबल है दोस्तों, अलग अलग इसके हिसाब से।
इसी तरह टेक्निकल के लिए बीएससी इन एग्रीकल्चर मांगा गया है दोस्तों, बीटेक डिग्री और बीए डिग्री होना चाहिए दोस्तों, मतलब इसमें से किसी एक में भी आपका है दोस्तों डिग्री तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आप चेक कर लीजिए आप अपने हिसाब से क्या रहने वाला है दोस्तों, उसके बाद ये कर दीजिए, अप्लाई जरूर करिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है ये टोटल 44 पेज का है और मैं शॉर्ट लिस्ट करके बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर जरूर करिए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है दोस्तों, तो यहाँ उनके बारे में दिया गया है कि ये जो मैनेजर के लिए रहने वाला है दोस्तों, ये सब डिपार्टमेंट के लिए उनका सिलेक्शन कैसा होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा पहले, उसके बाद इंटरव्यू होगा दोस्तों, और तीसरा लास्ट में अगर सिलेक्ट होते दोस्तों तो ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग के लिए भी अच्छा खासा स्टाइपिंग दिया गया दोस्तों, तो आप लोग देख लें। अभी ऑनलाइन टेस्ट होगा दोस्तों, तो क्या क्या टेस्ट में आने वाले दोस्तों, तो सिलेबस पूरा यहाँ पर दे दिया है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट कितने फेज में होगा वो भी दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर फेज वन और फेज टू में होने वाला है, तो फेज वन में क्या रहेगा दोस्तों वो पूरा यहाँ सिलेबस दिया गया है कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा दोस्तों। उसके बाद जो फेज टू रहने वाला है आपका टेक्निकल रहेगा, जो आपका बैकग्राउंड है दोस्तों उसके हिसाब से रहने वाला है। इसमें भी दोस्तों पेपर वन होगा, पेपर टू होगा, पेपर वन और टू कौन कौन एलिजिबल है, पेपर थ्री और फोर के लिए कौन एलिजिबल है यहाँ पर दे दिया दोस्तों हिंदी वालों के लिए। तो इस तरह आप ये चेक कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ पर जो टेस्ट रहने वाला है दोस्तों उसका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि 90 मिनट्स का रहने वाला है और 120 मार्क्स के लिए रहने वाला है दोस्तों। और पूरा आपको यहाँ पर एक सेग्रीगेट करके बता दिया है कौन से लैंग्वेज, कौन से सिलेबस एप्टीट्यूड के लिए कितना मार्क्स रहने वाला है दोस्तों, जनरल स्टडी के लिए क्या क्या कितने मार्क्स रहने वाला है, आपका टेक्निकल के लिए कितना मार्क्स रहने वाला है दोस्तों, पूरा यहाँ पर दिया गया है। आप एक बार इस फॉर्म को डाउनलोड कर ले और जरूर पढ़े। इसी तरह पेपर थ्री का भी वैसा ही होने वाला है दोस्तों, अलग अलग टाइम पे होने वाला है, तो आप जरूर अप्लाई करें। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कौन से जोन कौन से कैटेगरी में आए हैं, तो यहाँ दे दिया है दोस्तों कि कौन से जोन के लिए कौन कौन से कैटेगरी है। और उसके बाद दोस्तों सेंटर आप लोगों का कहाँ रहने वाला है जोन के हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से, तो आपका जो नियरेस्ट सेंटर रहेगा दोस्तों, आप किसी भी स्टेट में हो तो नियरेस्ट सेंटर सेलेक्ट करें ताकि आपको भी तकलीफ ना हो दोस्तों जाने के लिए एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दे दिया है दोस्तों, तो आप लोग जरूर अप्लाई करें, एक बार नोटिफिकेशन पढ़ ले दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें।